ऐश्वर्या और अभिषेक की डायवोर्स के बाद बच्चन परिवार में आई एक और बुरी खबर के बारे में आपको बताएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय बॉलीवुड में ऐश्वर्या और अभिषेक की डायवोर्स को लेकर काफी चर्चा है। डायवोर्स की बात तो बहुत होती रहती है, आज आपको बच्चन परिवार में आई एक और समस्या के बारे में बताते हैं। जी हाँ, हम आपको बताने वाले हैं जया बच्चन की मदर इंदिरा भादुरी के बारे में। जया बच्चन की मदर इंदिरा भादुरी इस समय हॉस्पिटलाइज्ड हैं और उनकी तबीयत काफी बिगड़ चुकी है। जी हाँ, रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि जया जी की मदर इंदिरा भादुरी जी की हेल्थ काफी डिटोरिएट कर गई है और उनको तुरंत से नियरेस्ट हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया है। जया बच्चन की बात करें तो इंडियन सिनेमा की मोस्ट टैलेंटेड और वेटरन एक्ट्रेसेस हैं। उन्होंने सिर्फ अपनी एक्टिंग ही नहीं बल्कि अपनी ब्यूटी से भी बहुत सारी मूवीज की हैं। और हम जानते हैं कि जया बच्चन बंगाली रूट से बिलोंग करती हैं और वो बहुत ही एमिनेंट जर्नलिस्ट और पोइट तरुण कुमार भादुरी और इंदिरा भादुरी की बेटी हैं। जया बच्चन की मदर की बात करें तो जया बच्चन की मदर 93 ईयर्स ओल्ड हैं और वो इस समय हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनको हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं जिसके कारण उनकी ट्रीटमेंट चल रही है और रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि उनकी एक सर्जरी भी होना है, जिसके लिए बच्चन परिवार काफी परेशान है क्योंकि इस उम्र में सर्जरी करना काफी डिफिकल्ट होता है और उनकी यह सर्जरी एक दो दिन में की जाने वाली है। जया बच्चन की बात करें तो जया बच्चन ने 2021 में अपनी मदर की 90th बर्थडे अमिताभ बच्चन के साथ भोपाल में सेलिब्रेट की थी और उसकी कुछ पिक्चर्स अपने फैंस के साथ शेयर की थी। वी विश अ स्पीडी रिकवरी टू इंदिरा भादुरी और हम आशा करेंगे कि इंदिरा भादुरी जी बहुत जल्दी से ठीक होकर अपने घर वापस लौट आएं। आप जया बच्चन की मदर इंदिरा भादुरी को प्रेयर्स में जरूर याद रखिये और हमें कॉमेंट्स करना ना भूलिए।